हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मुंबई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं 2 घंटे पहले सोकर उठ गया था, बट मैं बैठा हुआ गैलरी में ऐसे ही चिल मार रहा था। तो अब फिलहाल पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद से थोड़ा बहुत काम करना है, और उसके अलावा एक दो काम भी है जो सीक्रेट में ब्लॉग जैसे जैसे करके आगे बढ़ेगा पता चल जाएगा। तो पहले करते हैं थोड़ा सा ट्रेंडिंग पर काम। इतना आ रहा है ब्रेकफास्ट होकर रेडी, देखते हैं क्या काम है। और गेट भी मैंने बंद कर दिया बिकॉज बहुत शोर आ रहा है यार बाहर से। तो मेरा रेडी होकर आ गया है ब्रेकफास्ट। मैं आज खाने वाला हूँ बेकर्स स्पेशल, बटर के साथ में बटर ऑलरेडी लग गया है, तो खाते हैं यार। अब इसको भूख लग रही है। पिछले 2 घंटे से आज कुछ एक्टिविटी नहीं, ओनली वर्क मोड वर्क मोड वर्क मोड, बस यही सब करते रहे। और अब लंच वंच कर लें यार, क्या काम 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 यही सब रही है। तो पहले लंच करते हैं। लंच में आज नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल बहुत नॉर्मल बहुत नॉर्मल, और वो है ये खिचड़ी दही चटनी। तो आज इसके साथ में ही मेरा लंच होने वाला है। टाइम हो गया है शाम को 7:45 का। आज मैं काम करते में काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया। तो मतलब ये ऐसा भी होता है यार, टाइम गुजारना बहुत भारी पड़ जाता है। ब्लॉग के अकॉर्डिंगली तो आपको एक स्टोरी देखने को मिलती है। स्टोरी क्या मतलब, एक रियल लाइफ एक स्टोरी बन जाती है जो हम देखते हैं ब्लॉग के आधार पे। 4-5 मिनट का 6 मिनट का 7 मिनट का जितना भी होता है वो एक स्टोरी टाइप का लगता है, मगर वो पूरे 24 घंटे का कंटेंट होता है। और अभी 7:45 का टाइम भी ऐसे ही निकल गया। थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था मैं, काम में लगातार बिजी हूँ, कमर दुख जाती है मेरी काम करने। कूलर में भी पानी नहीं है, तो कूलर में पहले पानी भरना होगा उसको निकाल के, क्योंकि ये गर्म हवा मार रहा है। तो इसमें लग गया इधर पानी, थोड़ी देर में खुद ही भर जाएगा, आधी टंकी है थोड़ी और ऊपर तक भर देंगे। तो फाइनल स्टेज पर हमारा कूलर भर गया है पूरा। ये तो यार बड़ा भारी हो गया, इसको पीछे करना बहुत बड़ी मुसीबत है। तो अब बैठे बैठे काम करते करते टाइम हो गया है रात को 9:30 का, और अब ये सोचा है कि पहले डिनर कर ली जाए, फिर उसके बाद से सारे काम होंगे। सारे काम क्या होंगे, एक दो काम होंगे, फिर उसके बाद से सो जाना है, क्योंकि जल्दी सोना है फिर जल्दी उठना है। और डिनर में है कुछ हमारे खिचड़ी चटनी प्याज नींबू सब है। तो अब ये पहले खाते हैं, डिनर करते हैं, फिर उसके बाद से एक दो काम है वो भी निपटाने हैं। इतनी सारी पुलिस की पहरादारी, 1 2 3 4 5 6 7 7 बाइक्स लगातार कंटिन्यूसली, ये क्या सीन हो गया भाई, आई डोंट नो। फाइनली अभी क्या है गाइस, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था और एक दो से मेरी बात चल रही थी, और बात किस लिए चल रही थी वो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर। एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है, मे बी हो जाए, होगा तो बेटर है, नहीं होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं यार, लाइफ इज़ अ वेरी बोरिंग। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बोर था, आज से ज़्यादा बोर मेरे लिए कोई सा दिन नहीं रहा। एटलीस्ट होता है कभी कभी ऐसा यार, एक महीने में एक दिन तो ऐसा भी होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बोर 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 फील करते हैं। गर्मी यार कुछ ज़्यादा हो रही है हद से, आज उन्हें लग रहा है कि मुझे एसी वगैरह चलाकर सोना पड़ेगा। बाय द वे देखते हैं, फिलहाल हवा भी नहीं चल रही है यार। एक्चुअली मौसम पता नहीं क्या ही हो रहा है, मौसम अच्छा भी हो रहा है बेटर भी है, मगर हवा भी नहीं है और बारिश तो खैर हो ही नहीं रही है मौसम के साथ साथ। और मैं भी हो सकता है कि कल यहाँ पर जाली वगैरह लाकर लगाई जाए, बिकॉज अब बहुत ज़रूरी हो गई है हमारे लिए, बताऊंगा आपको आने वाले टाइम। फिलहाल वो सरप्राइज़ क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, हालांकि एक्साइटमेंट है हद से ज़्यादा, मगर थोड़ा नर्वसनेस भी है, बट ये पता चलेगी आने वाले ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इतनी बोरिंग लाइफ को इतना सपोर्ट करने के लिए मैं यही कहूँगा थैंक यू सो मच, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए हद से ज़्यादा बोर था। बाय द वे इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लगता है कि ऊपर वाले ने सुन ली है, हवा हल्की हल्की चलनी स्टार्ट हो गई है। चल जाए यार थोड़ा बेटर है, क्योंकि वरना गर्मी हो रही है यार, एसी चलाकर ही बैठना पड़ेगा, अभी तो एसी बंद ही है जैसे कैसे करके।